जमुआ प्रखंड अंतर्गत मेंढक चरपोखो पंचायत क्षेत्र गोविंदपुरा यादव बस्ती के पास एक निजी कंपनी द्वारा पत्थर खदान लीज पर लेकर हैवी ब्लास्टिंग करने से खदान स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित मकान पर असर पड़ने से ग्रामीण दहशत में है। साथ ही मात्र 100 फीट दूरी पर स्थित सिंचाई कूप का जलस्तर नीचे जाने से किसानों में खदान के संचालक के प्रति काफी आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीण काली यादव, लोकनाथ यादव, चंदवा देवी, दिलीप यादव आदि ने बताया कि शाम होते ही खदान में बड़े संख्या में विस्फोटक यंत्र से ब्लास्टिंग किए जाने से हम लोगों का घर में रहना दुर्लभ हो गया है। बच्चे लोगों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। एक बार जोरदार ब्लास्टिंग होने से खाट पर सोई एक बच्ची जोरदार से चिल्लाते हुए उठने के क्रम में गिर जाने से बेहोश हो गई। निजी कंपनी दबंगता दिखाकर पत्थर उत्खनन करके ग्रामीणों को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ग्रामीणों ने एक संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र गिरिडीह उपायुक्त जमुआ सीओ खोरी महुआ अनुमंडल थाना जिला खनन कार्यालय तक हम सभी खदान की लीज रद्द करने को लेकर आवेदन देकर अपनी जान माल की सुरक्षा देने के लिए फरियाद लगा चुके हैं, मगर आज तक कोई यहां देखने तक नहीं आए हैं। इसमें लिखा है कि गांव के सभी ग्रामीण भारी विस्फोट से भयभीत हैं। चापनल एवं कुएं का जल स्तर नीचे जाने लगा है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक हित में उक्त पत्थर खदान संचालित का लीज रद्द किए जाने की मांग की। अगर एक सप्ताह के अंदर खदान की लीज रद्द नहीं किया गया तो हम सभी लोग जमुआ सीओ कार्यालय के समक्ष सभी परिवार के साथ धरना देंगे। यहां से भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग आमरण अनशन पर जाने से परहेज नहीं करेंगे। कि सर यहां क्या होगा, कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे रहेंगे, तो कोई सुनवाई नहीं। यहाँ ठीक है, देखते हैं, वहाँ से भेजते हैं, यहाँ से भेजते हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। तो हम लोग यहाँ क्या करें, घर छोड़ के हम लोग कहाँ जाएं। जमीन सर कम से कम 100 बीघा जमीन यहाँ बंजर हो जाएगा, कोई कामयाब नहीं आएगा। 100 बीघा आदमी, 300 परिवार हम लोग घर में है, 150-200 परिवार सब यहीं से हम लोग का रोजी रोटी है, खाना पीना सब यहीं से, मजदूरी करके हम लोग खाने वाला यहीं से सब खाते हैं। बगल में एक कुआं है, उसका पानी की क्या स्थिति है? पानी खींच लिया है। एकदम लगता है एकदम क्या आवाज आ रहा है, पूरा घर पर ब्लास्ट पर पूरा पत्थर उड़ता है, पूरा उड़ता है। इसका शिकायत किए कहीं? शिकायत किए हैं सर। कहाँ शिकायत की? सगरे कहीं कोई ने सुना? नहीं, सुनवाई कुछ नहीं हुआ। दिलीप यादव एक नवाडी आदमी है, वो हम दिखाए रख लिए कि देखे बाबू कहाँ ले पथरा गल है और कैसे हम खेती बाड़ी करब से देख ले। तो मैं देखल मैं कि करते वो देख के चल गए। वो आदमी यह है सरकार के तरकार के काम करो है, तो हम इतना खेतिया बर गया से छोड़ कर यहाँ हमने पूरे परिवार कहाँ चल जेब, यहाँ खदरमा मोड़ जेब कि करब, कहाँ जेब अब हमने यहाँ से। बुढ़ापन के दिन भलिए 60-70 वर्ष के आदमी भै गए, हम यहाँ से कहाँ जेब। कम से कम 15 गो परिवार है और 15 परिवार के गुजर हमारे यहाँ से जाए। कोई देश विदेश हमारे ना है, बेटा नाती बोल देश विदेश गेल है।